माँ भारती को नमन करते हुए मैं विनीत कुमार आप सभी का अपने सक्सेस सारथी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम गणित कक्षा 7 की इकाई 1 परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड पहले पाठ की जो पहली ही प्रश्नावली है वो अभ्यास 1A है। तो हम इस प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे अपने इस वीडियो में, और लगभग पूरी प्रश्नावली हल करवाई जाएगी हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और तो आप सब लोग निकाल लीजिए अपना कापी कलम किताब और जुड़ जाइए हमारे इस सक्सेस सारथी के प्लेटफॉर्म से। तो पहला सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। अब जानते हैं कि परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या वे होती हैं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। यानी -7 है तो इसके नीचे हमको, हम जानते हैं कि किसी संख्या को अगर 1 से भाग करते हैं तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका मान वही रहता है। जैसे हम कहें कि 1/1 का मान कितना होगा, तो एक रोटी एक लोग को बांटनी है यानी 1/1, एक ही रोटी मिलेगी। 2/1 यानी इसका मान कितना होगा, तो 2 रोटी एक लोग में देनी है, तो यानी दो ही। चाहे कह दीजिए कि हमको 2 रोटी चाहिए, चाहे बोल दीजिए कि हमको 2/1 रोटी चाहिए, 2/1 कहेंगे तब भी वो एक जगह विभाजित करने पर उसका मान वही रहेगा। तो हम इन सब के नीचे अगर हम हर में एक 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 लिखते चले जाएं तो हमारी कैसी ये संख्याएं बन जाएंगी, परिमेय संख्याएं बन जाएगी। देखिए कैसे हल, यहीं पर हम इसको हल कर रहे हैं। -7 था तो -7/1 लिख दिया, 11 था तो 11/1 लिख दिया, 27 था तो 27/1 लिख दिया, -45 था तो -45/1 लिख दिया, 71 था तो 71/1 लिख दिया। बस हल हो गया प्रश्न हमारा, हो गई संख्याएं परिमेय संख्याएं, और ऐसी बनी परिमेय संख्याएं जिनका हर कितना रखा गया, 1 रखा गया। अगला देखिए, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, कितना अंश है, 8 है, -16 है, 20 है, -24 है। तो हम पहले कावले को हल कर रहे हैं और यहीं पर इसको हल कर रहे हैं। हाँ, आप प्रश्न के नीचे हल करेंगे क्योंकि हमने प्रश्नों को इसलिए लिख रखा है ताकि कम समय में अधिक काम करवाया जा सके तुम लोगों को। तो हल करने के लिए -4/5 आप लिखेंगे इस प्रकार से, और हम जानते हैं कि -4/5 कह रहा है ऐसा व्यक्ति को जिसका अंश 8 हो जाए। तो अगर इसमें हम गुणा करा दें 2 से, तो नीचे भी 2 से गुणा करा दें, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा, लेकिन अंश प्लस में नहीं होगा। जबकि सवाल कह रहा है कि 8 हो तो हम इसको -2 से गुणा करा दें, कितने से, -2 से। तो -4 - 2 की गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 8 हो गया प्लस का, और 5 की 2 से गुणा हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 10, लेकिन काहे का, माइनस का। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा वो 8/-10 निकल के आएगा। इस प्रकार से आप इसको कॉपी में नीचे हल कर सकते हैं, इसी के नीचे, क्योंकि हमारे पास इतना ही स्पेस था तो हमने इतने ही स्पेस में इसको हल कर दिया। अगर कोई डाउट है, दिक्कत है, निसंदेह, निसंकोच, बेझिझक, बिना डरे हुए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 16 कह रहा है इसका अंश -16, हम जानते हैं हमको -4/5 संख्या दी हुई है, अगर इसमें हम 4 से गुणा कराएंगे, ऊपर कराएंगे तो नीचे भी करनी पड़ेगी इतने से गुणा, तो 4 × 16 -16/5 = 20। इस प्रकार से हमको ये फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है जिसका अंश -16 है। अगला गा नंबर देखेंगे, इसको भी हम हल यहाँ पर करेंगे क्योंकि हमको सवाल में दे रखा है -4/5 और इसका आंसर हमको 20 करना है, तो 4 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो नीचे भी -5 से करेंगे तो ऊपर 4 × 5 = 20 हो जाएगा, लेकिन नीचे 5 × 25 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा माइनस का और ऊपर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, घा -24 यानी -4/5 को ऐसी संख्या में व्यक्त करिए जिसका अंश -24 हो। यानी देख रहे हैं हम इसका हल -4/5 है, अगर हम इसकी 6 से गुणा करा दें तो ऊपर जितने से गुणा कराएंगे उतने से ही नीचे गुणा कराएंगे, क्यों, क्योंकि उसके मान पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो 4 × 6 = 24 और 5 × 6 =
30, लेकिन हम जानते हैं माइनस और प्लस मिलके माइनस, तो इस प्रकार से हमको इसका आंसर -24/30 प्राप्त हो गया और हमने इस प्रश्न को पूरी तरह से हल कर लिया। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे जिसमें कह रहा है कि -5/7 को कह रहा है -5/7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है, हर है क्या हर है, कह रहा है 7 हो, -14 हो, 21 हो, 35 हो, अंश से कोई मतलब नहीं, केवल हर लाना है, जितना दे दिया है हमको उतना। तो हम यहीं पर हल कर रहे हैं इसे भी, -5/7 था तो हमको कितना लाना है हर में, 7 लाना है, और नीचे भी माइनस था तो हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, -1 से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर भी प्लस का 5 हो जाएगा और नीचे भी माइनस माइनस होके प्लस का 7 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको यह भिन्न 5/7 प्राप्त हो जाती है। -14 है, हमको दे रखा था भिन्न -5/-7, कह रहा है हर में कितना लाना है, -14, तो इसकी हम 2 से गुणा करा दें, ऊपर भी 2 से गुणा करा दें तो कितना हो जाएगा, -10/-14, इस प्रकार हमको फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा -10/-14। 21 लाना है तो -5/7 माइनस था ही, इसके नीचे हमने -3 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी 3 से कराएंगे तो फाइनल में आंसर हमारा निकल के आएगा 15 और 7 = 21, और दोनों हमारे आंसर काहे के हो जाएंगे, ऊपर नीचे आंसर और हर दोनों हमारे प्लस में आएंगे। अगले सवाल को -35 है, इसको भी देख लीजिए कैसे हल करेंगे, हमको भिन्न दे रखा था -5/-7 दे रखा था और लाना कितना है उसके हर में -35, तो 7 × 5 = 35 होता है, 5 से अंश और हर में गुणा करा देंगे तो हमको मिल जाएगा -35 - 25 होता है, 7 × 5 = 35 -35। इस प्रकार हमने इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है, फाइनली आंसर भी हमको प्राप्त हो चुके हैं, तो हल कर लीजिए इसको, दिक्कत है तो बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, हर को धनात्मक बनाने के लिए हमको -9/11 दिया गया है, यहाँ पर हर धनात्मक है ही, हर को धनात्मक बनाना है तो इसमें हमको क्या करने की आवश्यकता है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के या संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी धनात्मक है तो इसमें हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे हर धनात्मक ही रहेगा, कैसे देख लीजिए, -9/11 -9/-11 है यहाँ पर, इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए यहीं पर हम हल कर रहे हैं इसको, -9/-11 है, इसको -1 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/11 यही हमारा हल हो जाएगा। इसको भी हल करेंगे, हर को इसमें भी धनात्मक बनाना है, 11/-17 था तुम्हारा, इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, ये हमको मिल जाएगा -11/17, इसमें भी हमारा हर कैसा हो गया, धनात्मक हो गया। इसको हल करेंगे -4/19 को, क्या करेंगे, इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि नीचे जिस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं उसी संख्या से उसी चिन्ह से ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ -1 से हमने गुणा किया है नीचे तो ऊपर भी -1 से ही गुणा करेंगे हम, कैसे, -4 और -1 की गुणा करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, और -19 और -1 की करेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, ये हमारा इस प्रकार से फाइनल आंसर निकल के आएगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप यही पैरेलल में इसके देख लीजिए, -4 था, मल्टीप्लाई किया और 4 बचा, इधर 19, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली की 1, 2, 3, 4 प्रश्नों को हल किया है महज 10 मिनट में, अभी हमें इस प्रश्नावली के और भी प्रश्नों को हल करना है, तो देख लीजिए यही बुक हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में जितने भी कक्षा 7 के अध्ययनरत छात्र हैं वो सभी हमारे सक्सेस सारथी के चैनल से जुड़ करके लगभग अपने सारे सब्जेक्ट को कम्प्लीट कर सकते हैं। 5वां प्रश्न है, देखेंगे हम 5वें प्रश्न को, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर चाहें तो नोट करने के लिए, उसके बाद हम 5वां प्रश्न करवाते हैं। हो गया स्क्रीनशॉट,
बोर्ड अरेज कर लिया है हम। पांचवें प्रश्न को लिख रहे हैं, कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाना है। कैसा बनाना है? धन पूर्णांक। तो पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। धन पूर्णांक बनाइए। वहां हमने हर को धनात्मक किया था और यहां अंश को कह रहा है। का नंबर देखिए इसका, का माइनस सात बटे तेरह। खा नंबर देखिए इसका, माइनस ग्यारह बटे माइनस उन्नीस। गा नंबर देखिए इसका, माइनस अठारह बटे तेईस। घा नंबर है माइनस उन्नीस बटे माइनस का तेईस। कैसे इसमें हम हर को धनात्मक बनाएंगे? देख लीजिए, जब कह रहा है संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए, हर को हमने पिछले वाले में किया था और इसमें हम अंश को धन पूर्णांक करेंगे। तो अगर अंश को धन पूर्णांक करना है तो हमको अंश में अगर माइनस की डिजिट दी है तो माइनस के वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या वही रहेगी, अंश हमारा कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। देखिए कैसे, का नंबर हल कर रहे हैं हम, माइनस सात बटे तेरह। अंश को धनात्मक बनाना है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जितने में अंश से मल्टीप्लाई करते हैं उतने में ही हर से गुणा करना पड़ता है। तो सात एकम सात, माइनस माइनस प्लस, तेरह एकम तेरह, वो भी का है कि माइनस के, यही हमारा आंसर इसका है। खा नंबर देखिए और गा देखिए, फिर घा देखिए। खा नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको भी हल कर रहे हैं, माइनस ग्यारह बटे माइनस उन्नीस है, अंश को धनात्मक बनाना है तो माइनस है तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ऊपर हो जाएगा ग्यारह बटे उन्नीस। अगला प्रश्न है गा नंबर, इसको भी हल कर लीजिए, माइनस अठारह बटे तेईस है, क्योंकि ऊपर माइनस का एक अठारह है तो माइनस के एक से गुणा कराएंगे, तो माइनस के एक से जब ऊपर कराएंगे तो नीचे भी उतनी संख्या से गुणा करवाना पड़ेगा, तो माइनस अठारह और माइनस अठारह की गुणा होगी प्लस का अठारह, तो तेईस एकम तेईस, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। घा वाला कह रहा है माइनस उन्नीस बटे माइनस तेईस है, इसमें भी हम माइनस वन से गुणा करवा देंगे, क्यों? क्योंकि हमको धन पूर्णांक में लाना है, तो माइनस उन्नीस की माइनस वन से गुणा होगी ये उन्नीस हो जाएगा और माइनस तेईस की माइनस वन से गुणा होगी तेईस हो जाएगा। फाइनल आंसर हमारा यही निकल के आएगा। अब हम अगले प्रश्न को हल करेंगे। इसके पश्चात अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं? छांटना है धनात्मक और ऋणात्मक, तो जहां पर हमको अंश और हर दोनों में ऋण चिन्ह मिलेंगे वे अपने आप धनात्मक हो जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस को माइनस से भाग करेंगे तो प्लस ही आएगा, कट जाएगा एक दूसरे से। और माइनस की जब माइनस से हम गुणा करवाते हैं तो माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, अगर माइनस का आंसर आ रहा है तो वहां पर माइनस एक से गुणा करवा देंगे, अपने आप संख्या प्लस में हो जाएंगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। खैर ये देख लीजिए, सरलतम रूप आठवां प्रश्न है, सरलतम रूप कह रहा है, क्या कह रहा है? सरलतम रूप। का नंबर सवाल देखिए, का नंबर है माइनस नौ बटा इक्कीस। खा नंबर प्रश्न है, यह हम आठवां प्रश्न हल कर रहे हैं यहां से, ग्यारह बटा माइनस उन्नीस। गा नंबर प्रश्न है आठ बटे
खा नंबर आपका प्रश्न का नंबर था माइनस 9/21 18 बटे खा नंबर आपका माइनस 18/27 है। खा नंबर प्रश्न है माइनस 18/27 और गा नंबर जो आपका प्रश्न है आठवें का गा 21/-36 और इसी के साथ हम घा प्रश्न भी हल करेंगे। घा प्रश्न है हमारा -36/64। इनके सबके सरलतम रूप लिखने हैं, सरलतम रूप हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और नीचे वाली हर के भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो आपस में क्रॉस होंगे कट जाएंगे उनको हम फाइनल में सरलतम रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उस प्रकार -9/21 है, हम जानते हैं इसको 3×3 कर दी जाए और माइनस का चिन्ह बाहर ले लिया जाए या -3×3 कर दी जाए और इसकी 7×3 कर दिया जाए तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा, बचेगा क्या -3/7 और यही इसका सरलतम रूप होगा, यानी -3/7 बचेगा और यही इसका सरलतम रूप होगा। इसको देखिए -18 है, हम जानते हैं 2×3=6, 18 चूंकि -1 जगह है तो किसी एक संख्या के साथ माइनस कर लीजिए जब 3 है। अगला है 27, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3×3×3, 3×3=9, 27। यहां हम देख सकते हैं 3 से 3 ये भी 3 से 3 तो -2/3 बचेगा, कितना बचेगा -2/3। इसको देख लीजिए 21 है तो 3×7 होता है 36 है, हम जानते हैं 3×9=36, 3 से 3 कट जाएगा चिन्ह माइनस का रहेगा इसके साथ में भी तो हम लिख सकते हैं 7/-12, 7/-12। घा नंबर है -36/64, कैसे करेंगे 36 के भी टुकड़े काटेंगे 2×2=4, 3×12=36, क्योंकि माइनस है तो इसको माइनस हम रख सकते हैं यहाँ पर, इधर काटेंगे 64 के टुकड़े 2×4×8×16×32×64, यहाँ देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 3×3=9, यानी माइनस का 9, तो नीचे कितना बचा 2×4×8×16, कितना बचा 16, -9/16 हमारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। इस प्रकार हमने पांचवा, छठा, सातवां आप स्वयं करेंगे, आठवा प्रश्न हल करवाया है और अब हम अगला प्रश्न हल करेंगे वो हमारा 9 नंबर का प्रश्न होगा या 10वां होगा, देख लेते हैं इसको बुक में। 9 नंबर कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप सब लोग बुक ओपन करिए और इसमें देखिए -3/4 और इधर माइनस का 20 है तो आप समझ गए होंगे कि -5 से गुणा करवाया गया है 4 में तो ऊपर कितना हो जाएगा 5 की -3 से गुणा होगी -15 और नीचे -20 है ही तो ऊपर हम क्या भरेंगे माइनस का 5। यहाँ 28 लाना है तो ऊपर -3 की भी 7 से गुणा होगी तो इसमें हम कितना भरेंगे -21/28 हो जाएगा। इसी प्रकार खा प्रश्न को हल करेंगे, गा प्रश्न को हल करेंगे, घा प्रश्न को हल करेंगे। अगर नहीं होता है तो पूछिएगा, हम उसको हल करवाएंगे वीडियो के माध्यम से। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप चाहें तो हमारे इस यूट्यूब के अबाउट में जाकर के वहां से नंबर लेकर के डायरेक्ट आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, हमारे बिजनेस व्हाट्सएप पर जाएगा और वहां से आपको सलूशन दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रश्नावली को भेजते हैं तो उसका कंप्लीट वीडियो बनाकर दिया जाएगा आप लोगों को। तो 10वें प्रश्न को अब हम हल करते हैं और इस प्रश्न को जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको स्किप कर रहे हैं, स्वतः डू योर सेल्फ खुद से करिएगा उसको और कर सकते हैं, इतना कोई कठिन प्रश्न नहीं है वो, तो इसे हम इरेज कर रहे हैं और अब हम लास्ट प्रश्न को हल करेंगे, अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का
अंतिम प्रश्न, और इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया है। और एक बार फिर से हम कह रहे हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। कक्षा 5 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट्स और साथ में जो भी कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं स्टेट लेवल की, वो सब भी हमारे इस चैनल से जुड़ करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न अब हम देख लेते हैं, 10 नंबर। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्याएं लिखिए लिखिए 3 और परिमेय संख्या लिखिए। का नंबर सवाल है 2/5। खा नंबर सवाल है 7/-11, और गा नंबर प्रश्न है हमारा 8/-5। इनके समतुल्य हमको 3-3 और परिमेय संख्याएं लिखिए, या फिर कह लीजिए 3-3 भिन्न और देनी है इनके समतुल्य, जो लगभग इसी के मान को रिप्रेजेंट करें। जैसे 2/5 है तो लिखेंगे हल में, हम इसको हल कर रहे हैं, 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 2/5 के समतुल्य 3 लिखनी है, तो सबसे पहले इसको 1 से गुणा कराएंगे वही रहेगी, तो 2 से गुणा करा दीजिए, फिर 2/5 की अंश और हर में 3 से गुणा करा दीजिए, और फिर 2/5 के अंश और हर में 4 से गुणा करा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2×4/10, और इसकी कराएंगे तो 6/15, और इसकी कराएंगे तो 8/20। इस प्रकार से आपकी 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त की गई हैं। और हम इसको नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़ रहे हैं 2/5 को, इसको भिन्न में इसके साथ नहीं काउंट करने वाला, 1, 2, 3, 4 संख्याएं हमारी हो जाएगी, और इस प्रकार से हमने 3 प्राप्त किए। इसी प्रकार इसके लिए भी हम कर सकते हैं कि समतुल्य परिमेय संख्याएं कौन कौन सी लिख सकते हैं? 7/-11, इसकी गुणा 2 से कराएंगे एक बार, 7/-11 इसकी गुणा 3 से कराएंगे एक बार दूसरी बार, और फिर क्या है, 7/-11 इसकी गुणा 4 से करा दीजिए अंश और हर में। कितनी संख्या है? 7×14/11 = 22, −7 = 21/11 = 33, माइनस का 7×28/11 = 44, माइनस का। इस प्रकार हमको इसके भी 3 समतुल्य भिन्न प्राप्त हुई हैं, परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई हैं। अब हमारा अगला है गा नंबर 8/5 के समतुल्य और 3 परिमेय संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो लिखेंगे हम −8/5 के समतुल्य 3, 4, 5, 6 जितनी कहे उतनी आप निकाल सकते हैं, 3 परिमेय संख्याएं। 3 कह रहा है, 3 से अधिक भी आप निकाल सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार से संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? क्योंकि −8/5 था ही हमारा, इस माइनस का इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर और हर में, फिर −8/5 हमारा था इसकी हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर और हर में, और फिर हमारा −8/5 था और इसकी हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आंसर और हर में। इस प्रकार हम कह सकते हैं 8×16 यानी 16/10 माइनस रहेगा आंसर और हर में, 24/15
माइनस रहेगा ऊपर, 8 चक्कू 32 बटे 20 माइनस रहेगा अंश और हर में दोनों में 32 बटे 20। इस प्रकार इसकी जो तीन परिमेय संख्या प्राप्त हो रही है आपको दिख नहीं रहा है, हम बोल रहे हैं माइनस 16 बटे माइनस 10, माइनस 24 बटे माइनस 15, माइनस 32 बटे 20। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को कंप्लीट किया है और आप निरंतर जुड़कर हमसे अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और पुनः एक बार अच्छे अंक और बेहतर ज्ञान पाने के लिए हमारे सक्सेस साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो आपके मोबाइल में स्वतः घंटी के रूप में प्राप्त हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।